हेलो दोस्तों, टेक्निकल मस्ती चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ 10,000 रुपए के अंदर मिलने वाले दो स्मार्टफोन, जिसमें पहला स्मार्टफोन हमारे पास टेक्नो स्पार्क सीरीज का टेक्नो स्पार्क 8T और दूसरा स्मार्टफोन रियलमी सी सीरीज का रियलमी C21 Y। तो इन दोनों स्मार्टफोन की अनबॉक्सिंग और कंपैरिजन करेंगे एक साथ और देखेंगे कौन सा स्मार्टफोन आपके लिए है बेस्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों स्मार्टफोन का प्राइस जान लेते हैं। तो टेक्नो स्पार्क 8T अभी कुछ दिन पहले 8,999 रुपए में आपको अच्छा खासा मिल रहा था, लेकिन कमबख्त कंपनी ने कर दिया है इसका प्राइस ऊपर पूरे के पूरे 1,000 रुपए। यानी कि अब ये आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन स्टोर पर मिलेगा 9,999 रुपए में। अब आप ये मान के चलो, राम और श्याम दो दोस्त हैं, दोनों दोस्त मोबाइल लेने की सोच रहे हैं। तो राम 4 दिन पहले ले लेता है क्योंकि उसके पास तो पूरे पैसे हैं 9,000 रुपए। उसने 9,000 रुपए में ये मोबाइल खरीदा। श्याम ने बोला 2-4 दिन में और पैसे इकट्ठा करता हूँ, अभी मेरे पास 7,000 रुपए हैं। श्याम 4 दिन बाद अपने पूरे 9,000 रुपए जमा करके मार्केट में जाता है और इस मोबाइल को परचेज करता है और वहां उसे सुनाई देता है कि ये तो 1,000 रुपए ऊपर हो गया। तो ये तो बहुत ही नाइंसाफी रहेगी दोस्तों, ऐसे प्राइस एकदम से कंपनियों को नहीं बढ़ाना चाहिए। वहीं बात करें Realme C21 Y की, तो ये आपको 10,000 रुपए के अंदर मिलता है। दोनों मोबाइल में आपको 4GB रैम, 64GB का इंटरनल स्टोरेज दिया गया है। कैमरा आपको स्पार्क 8T में 50MP का रियर में और फ्रंट में 8MP का दिया गया है। वहीं C21 Y में आपको 13+2+2MP के 3 कैमरा दिए गए हैं, फ्रंट में 5MP सेल्फी कैमरा। बैटरी दोनों में आपको 5000mAh की मिलती है। इसके अलावा हम वीडियो में आगे देखते हैं क्या क्या मिलता है इन दोनों स्मार्टफोन में खास। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो में, चैनल पे आए हो फर्स्ट टाइम और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इधर ही कहीं आपको एक सब्सक्राइब का बटन नजर आएगा, उसको दबा दीजिए। बगल में बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिए। ऐसी वीडियो तो आपके लिए मैं यहाँ पर लाता रहता हूँ बिना समय गवाए। जल्दी से करते हैं दोनों मोबाइल की अनबॉक्सिंग। दोनों स्मार्टफोन के बॉक्स पर आपको कहीं भी मोबाइल का डिजाइन देखने को नहीं मिलेगा। मॉडल नेम दिए गए हैं आगे की साइड और बैक साइड में हेडलाइन फीचर्स, जिन्हें आपको वीडियो में आगे बताता रहूंगा। तो जल्दी से दोनों स्मार्टफोन के बॉक्स ओपन कर लेते हैं। शुरुआत करते हैं टेक्नो स्पार्क 8T से। सबसे ऊपर स्मार्टफोन रखा हुआ मिलता है, जिसे फिलहाल हम साइड में रखेंगे। अंदर आपको एक फ्लेक्सिबल ट्रांसपेरेंट सिलिकॉन का कवर मिल जाता है, काफी अच्छी क्वालिटी का। इसके अलावा 12 मंथ का वारंटी कार्ड, क्विक स्टार्ट गाइड, यूजर मैनुअल और अंदर देखे तो यहाँ पर आपको मिल जाता है एक 10 वोल्ट का चार्जर अडेप्टर 5V 2A की आउटपुट रेटिंग के साथ। इसके अलावा व्हाइट कलर की USB केबल, ये है नॉर्मल माइक्रो USB केबल, सिम इजेक्टर पिन और इसके अलावा कुछ नहीं। अब आते हैं C21 Y पर। तो सबसे ऊपर आपको स्मार्टफोन रखा हुआ मिलता है, इसे भी फिलहाल साइड रख लेते हैं, जिस पर आपको अ ग्रेट स्टोरी सिंस द फर्स्ट लीफ लिखा हुआ मिलता है और इसके अंदर आपको क्विक स्टार्ट गाइड, यूजर मैनुअल, बैक साइड में सिम इजेक्टर पिन और कवर आपको रियलमी नहीं दे रहा है। इसके अलावा अंदर देखें तो आपको एक बड़े साइज का एक हैवी चार्जर अडेप्टर मिलता है, लेकिन ये फास्ट चार्जर नहीं है, ये भी 10 वॉट का है। 5V 2A की आउटपुट रेटिंग आपको इस चार्जर से मिलती है। व्हाइट कलर की USB केबल, केबल की क्वालिटी काफी अच्छी लग रही है, लेकिन आपको C21 Y भी माइक्रो USB केबल ही दे रहा है। और ये रहे दोनों स्मार्टफोन, जिनका फ्रंट लुक कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा। साइज दोनों का एक जैसा लग रहा है, दोनों पर आपको स्क्रैच गार्ड पहले से लगे हुए मिलते हैं और दोनों ड्रॉप नॉच डिस्प्ले के साथ आते हैं। और ये रहे दोनों स्मार्टफोन के बैक पैनल, बैक पैनल आपको डिफरेंट देखने को मिलेंगे। सबसे पहले 8T का बैक पैनल देखें तो इसमें आपको ग्लास फिनिश वाली फीलिंग आएगी। जी हाँ, आप देख सकते हैं यहाँ आपको काफी अच्छा लाइट रिफ्लेक्शन देखने को मिल जाता है और कमाल की फिनिशिंग आपको बैक पैनल में दी गई है। लेकिन अगर आप विदाउट कवर इसे यूज करते हो तो काफी जल्दी आपको कुछ इस तरह से स्क्रैच देखने को मिल जाएंगे। ये देखिए, हमने यहाँ पर कई सारे स्क्रैच पहले ही डाल दिए हैं, देख सकते हैं। तो विदाउट कवर इसे यूज करना कितना खतरनाक हो सकता है यहीं से आप देख सकते हैं। इसके अलावा स्टॉप एंड नथिंग टेक्नो स्पार्क यहाँ पर लिखा गया है। वहीं हम C21 Y, इस पर अगर आप कवर ना भी लगाओ तो कोई दिक्कत नहीं, कोई स्क्रैचेस नहीं आएंगे। इस पर रिजेस है काफी अच्छे पैटर्न के साथ डिजाइन, नीचे रियलमी की ब्रांडिंग और स्पीकर यहाँ पीछे दिया है। जी हाँ, ये स्पीकर यहाँ नहीं होना चाहिए था, इसे यहाँ होना चाहिए था, लेकिन दिया है यहाँ। अगर आप मूवी देखते हैं तो इस तरह से आपका हाथ इस स्पीकर को ढक लेगा, या फिर गेमिंग करते हैं तो भी इस स्पीकर को ढकना ही ढकना होगा, इसलिए ये स्पीकर यहाँ पर गलत जगह पर बैठ गया है। वहीं ऊपर फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है, फिंगरप्रिंट सेंसर तो आपको दोनों स्मार्टफोन में मिल जाते हैं। चलिए दोनों स्मार्टफोन के कैमरा सेटअप पे नजर डालते हैं। तो टेक्नो स्पार्क 8T, जिसमें मेन कैमरा आपको 50MP का दिया गया है और एक उसका सपोर्टर AI लेंस कैमरा दिया गया है विद LED फ्लैश लाइट, जबकि C21 Y में आपको 13MP का मेन
मेन कैमरा, 2 मेगापिक्सल का माइक्रो और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर कैमरा विद एलईडी फ्लैशलाइट दिया गया है। दोनों मोबाइल के फ्रंट में आपको ड्रॉप नॉच के अंदर सेल्फी कैमरा 8 मेगापिक्सल 8T में और C21Y में 5 मेगापिक्सल का दिया गया है। दोनों मोबाइल के राइट साइड में पावर ऑन की प्लस वॉल्यूम रॉकर्स, ऊपर की साइड कुछ नहीं दे रहे हैं दोनों स्मार्टफोन। लेफ्ट साइड में सिम ट्रे और बॉटम में प्राइमरी माइक, चार्जिंग जैक, 3.5mm का ऑडियो जैक और स्पीकर ग्रिल आपको टेक्नो में नीचे की साइड और रियलमी में पीछे की साइड दिया गया है। दोनों स्मार्टफोन को हमने बूट कर लिया है और ब्राइटनेस को 100%। तो डिस्प्ले आपको करीब से दिखाते हैं, तो दोनों स्मार्टफोन में आपको काफी कलरफुल डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। थोड़ी सी ब्राइटनेस ज्यादा लग रही है 8T की, क्योंकि इसमें आपको 500 निट्स की ब्राइटनेस मिलती है। C21Y में आपको 420 निट्स की ब्राइटनेस दी गई है। दोनों स्मार्टफोन में एज बेजल्स आपको कुछ ऐसे देखने को मिलते हैं। बेजल्स थोड़े ज्यादा C21Y के लग रहे हैं, यहाँ पर आपको साफ साफ देखने को मिल रहा होगा। जो नीचे चिन्ह होती है वो थोड़ी ऊपर दी गई है C21Y में। इसके अलावा दोनों स्मार्टफोन के आइकन आप देख सकते हैं। यूजर इंटरफेस स्क्रॉल अप करने पर आपको यहाँ सारी की सारी एप्स नजर आएंगी। कुछ फालतू प्री इंस्टॉल ऐप, ब्लोटवेयर ऐप आपको दोनों फोन में मौजूद मिल जाएंगी। हालांकि कुछ को आप अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। दोनों स्मार्टफोन में आपको दिया गया है 60Hz का रिफ्रेश रेट। टच काफी स्मूथ है दोनों स्मार्टफोन का। और बात करते हैं डिस्प्ले साइज की, तो टेक्नो स्पार्क 8T में आपको मिलती है 6.6 इंच की फुल HD प्लस IPS LCD जिसका एस्पेक्ट रेशो 20:9, स्क्रीन रेजोल्यूशन 1080x2408 पिक्सल और पिक्सल डेंसिटी 400 PPI की। वहीं C21Y में आपको मिलती है 6.5 इंच की HD प्लस IPS LCD जिसका एस्पेक्ट रेशो 20:9, स्क्रीन रेजोल्यूशन 720x1600 पिक्सल, पिक्सल डेंसिटी 270 PPI की आपको इसमें दी गई है। और हाइट की बात करें तो 8T में आपको 164.2mm और 164.5mm की आपको C21Y में मिलती है। थिकनेस की बात करें तो 8.8mm की टेक्नो में और C21Y में आपको 9.1mm की मिलती है। दोनों मोबाइल पर आपको लगी मिलती है 5000mAh की बैटरी। वेट है 192g टेक्नो का और रियलमी का 200g, तो वेट में थोड़ा सा हैवी है C21Y। चलिए अब सेटिंग पे नजर डालते हैं। तो दोनों स्मार्टफोन में हमने डार्क थीम को इनेबल कर दिया है ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना आए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम टेक्नो स्पार्क 8T की सेटिंग को जैसे ही हम ओपन करते हैं, तो जैसे सभी टेक्नो के स्मार्टफोन में आपको अंदर सेटिंग का इंटरफेस देखने को मिलता है, वैसे ही यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जिसमें सबसे ऊपर माय फोन का ऑप्शन दिया गया है। इसे हम ओपन कर लेते हैं। तो हाई OS आपको इसमें मिलता है, जिसका वर्जन है 7.6.0, 4GB रैम, 64GB का इंटरनल स्टोरेज, एक्सपेंडेबल मेमोरी 256GB तक आप इसमें बढ़ा सकते हैं। कैमरा डिटेल्स दी गई है। वही प्रोसेसर यहाँ पर आपको मिलता है 2.3GHz का ऑक्टा कोर, चिपसेट MediaTek Helio G35 का दिया गया है। एंड्रॉइड वर्जन आपको इसमें 11 मिल जाता है। वहीं C21Y की सेटिंग को देखें तो यहाँ पर आप जैसे ही सेटिंग को ओपन करोगे तो यहाँ का इंटरफेस भी आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, जिसमें आपको सेंटर में अबाउट फोन सेक्शन दिया गया है। Realme UI वर्जन आपको इसमें R एडिशन का दिया गया है। Android वर्जन 11, प्रोसेसर यहाँ पर ऑक्टा कोर लिखा गया है, मिलता है आपको 1.8GHz का ऑक्टा कोर और चिपसेट आपको ना ही क्वालकॉम ना ही MediaTek, इसमें आपको UniSoC का चिपसेट दिया गया है। UniSoC T610, 4GB रैम LPDDR4X की, 64GB का इंटरनल स्टोरेज, एक्सपेंडेबल मेमोरी आप इसमें मात्र 256GB तक ही बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा दोनों स्मार्टफोन में आपको 12nm का फैब्रिकेशन मिल जाता है। ग्राफिक आपको पावर VR G8320 के मिलते हैं टेक्नो में और रियलमी में माली G52 के दिए गए हैं। Realme C21Y में आपको गैलरी का ऑप्शन नहीं दिया गया है, गूगल फोटोज से आपको काम चलाना पड़ेगा। इसके अलावा दोनों स्मार्टफोन के कैमरा को हमने नॉर्मल मोड में ऑन कर दिया है, तो कैमरा क्लैरिटी आप देख सकते हैं। Realme का कैमरा भी पूरी टक्कर दे रहा है टेक्नो के कैमरा को, तो कैमरा क्लैरिटी मुझे दोनों की काफी अच्छी लगी। फ्रंट कैमरा देखते हैं दोनों स्मार्टफोन का, तो फ्रंट सेल्फी कैमरा भी दोनों का काफी कमाल का है। थोड़ा सा रियल जो एक्चुअल कैमरा होता है वो C21Y का लग रहा है, जबकि व्हाइटनेस ज्यादा देखने को मिल रही है हमें स्पार्क 8T से। तो फ्रेंड्स, ये थे 10,000 रुपए के अंदर मिलने वाले दो बेहतरीन स्मार्टफोन टेक्नो स्पार्क 8T। जब तक ये 9,000 रुपए का था तो ये बिल्कुल A1 इस प्राइस रेंज के अंदर बहुत ही बेस्ट स्मार्टफोन था, क्योंकि 9,000 रुपए के अंदर आपको इसमें फुल HD प्लस डिस्प्ले मिल रही थी। एवरेज प्रोसेसर दिया गया था G35 का और बैटरी अच्छी थी, कैमरा अच्छा था, सब कुछ अच्छा था, लेकिन प्राइस जैसे ही 10,000 रुपए कर दी तो इसकी थोड़ी सी मुझे यहाँ पर इस प्राइस रेंज में आपके पास तो अदर कई ऑप्शन खुल जाते हैं अगर आपको 10,000 रुपए खर्च करने हैं। वही Realme C21 एक नई कोशिश नया चिपसेट के साथ
हालांकि निकाला अच्छा स्मार्टफोन है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर भी मुझे इसकी प्राइस थोड़ी ऊपर ही लगी। इसमें ना ही फुल HD प्लस डिस्प्ले दी गई है, ना ही आपको फास्ट चार्जर दिया गया है, ना ही टाइप सी का सपोर्ट दिया गया है, और प्रोसेसर भी आपको UniSoC का दिया गया है। हालांकि कुछ स्मार्टफोन में ये प्रोसेसर आ गया है, अभी आगे आने वाले टाइम में पता चलेगा कि इस प्रोसेसर में कितना दम है। हालांकि BGMI जैसा गेम भी ये प्रोसेसर आराम से हैंडल कर देता है। हमने देखा था माइक्रोमैक्स जो कि हमारा N2B स्मार्टफोन 8000 रुपए के अंदर उस टाइम इस प्रोसेसर को लेके आया था, उसमें हमने BGMI जैसा गेम भी खेला था, स्मूथली प्ले हो रहा था। हालांकि ग्राफिक सेटिंग फिर भी आपको लो करनी पड़ती है। इसके अलावा आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके जरूर काम आई होगी, जिससे आपको मोबाइल परचेस करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगली अनबॉक्सिंग के साथ, तब तक के लिए दोस्तों देखते रहिए टेक्निकल मस्ती चैनल।